हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स और लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपके साथ जरा भी रेजोनेट होती है, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती है, तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊँ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से पर्सनली आपके लिए एनर्जाइज करके आपको सेंड करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए भी आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। जितने नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि जब आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है जो स्पेसिफिकली आप सबके लिए बनाई जा रही है। इस रीडिंग के दौरान जितनी चीजें रेजोनेट करे रखे, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। और बेसिकली जब मैं कार्ड्स को शफल करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। डिवाइन से प्रे करो कि आज जो ये रीडिंग है, इस रीडिंग के थ्रू जो भी आपको मैसेज साइंस मिलने हैं, गाइडेंस मिलनी है, वो मिल सके, ठीक है। तो वो रिसीव करने के लिए, पॉजिटिविटी रिसीव करने के लिए आप इस कमेंट्स में आई क्लेम लिख सकते हो, ठीक है। चलो आई क्लेम द पॉजिटिविटी आप लिख सकते हो। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस शख्स के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिस शख्स ने उनको नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन दिया है, उस शख्स की करंट एनर्जीज क्या है। ब्यूटिफुल एस ऑफ कप, सेकेंड वी हैव द डेविल, ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और बॉटम में हमारे पास है द फूल, ओके। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई करें एस ऑफ कप की एनर्जी को। नाइन ऑफ पेंटाकल्स, द डेविल की एनर्जी को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। टावर, ओके। सो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड की एनर्जी को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वैंड प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को एंड इट इज सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, ठीक है। एंड इट इज जजमेंट एंड फूल की एनर्जी के लिए वी हैव द हाई प्रीस्टेस, ओके। चलिए सो मे बी जो शख्स के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके जोडियक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे जोडियक साइंस यहाँ पर हैं। सभी जोडियक साइंस की रीडिंग यहाँ पर रहेगी। देखो जब भी, वैसे तो मैं आपको ये कहूंगी कि जब भी रीडिंग देखो ना, एक पॉजिटिव नोट से देखना चाहिए, एक होप से देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से, ओपन माइंडसेट से रीडिंग्स को देखती हो ना, तो वो पॉजिटिवली आपके लिए काम भी करती है, ठीक है। अभी फिलहाल तो मुझे ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आप बहुत स्ट्रांगली ना एकदम अकेलापन, खालीपन सा आपको महसूस हो रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि देखो ये वाइसा वर्सा फीलिंग हो सकती है, हो सकता है ये अगर आपकी नहीं है तो आपके पार्टनर की फीलिंग हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी खालेपन वाली फीलिंग, अकेलेपन की फीलिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि आप ऐसा सोचते हो कि ये शख्स आया और आपकी फीलिंग से खेल करना निकल गया, ठीक है। आप बहुत परेशान हो इस शख्स को लेकर, आपको ऐसा लगता है कि यार क्यों ये रिश्ता टूटा, क्यों ये शख्स आपके लिए सीरियस नहीं हो रहा है, क्यों ये शख्स आपको कमिटमेंट आकर नहीं दे रहा है। ये बार बार अनब्लॉक वाले गेम खेलते हैं, कभी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपको देते हैं, तो वो चीज़ आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या बच्चों वाला खेल है, ठीक है। अगर इस शख्स के दिल में कुछ है तो आकर मुझे बताता क्यों नहीं, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपसेट इस चीज़ को लेकर हो जाते हो। आपके पार्टनर भी उतने ही अट्रैक्टेड हैं आपको लेकर, उतना ही इंटरेस्ट उनके दिल में आपको लेकर है जितना इंटरेस्ट आपको उनके दिल, आपके दिल में उनके लिए, ओके। सो उनके दिल में भी उतना ही इंटरेस्ट है आपको लेकर, लेकिन आपके दिल में कहीं ना कहीं गुस्सा मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि आप उनसे गुस्सा हो, आप उनसे नाराज हो इन चीज़ों के लिए, जो भी वो अपने एक्शंस दिखा रहे हैं या फिर जो वो एक्शंस नहीं ले रहे हैं, ठीक है, या फिर बिल्कुल चुप साइलेंट होकर बैठ गए हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है उन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा नाराज, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो उनसे, ठीक है, और आप लड़ना चाहते हो उनसे। जनरली आपकी ऐसी एनर्जी है कि यार मैं लड़ना चाहती हूँ उससे, बहुत कुछ आपके दिल में है जो आप उनसे कहना चाहते हो, आपको सुनाना चाहते हो, आप उनसे सुनना चाहते हो, क्लैरिटी आप एक्सपेक्ट करते हो इस शख्स से, ठीक है।
यहाँ पर मुझे ऐसे भी दिख रहा है जहां पर इस शख्स ने आपको ना बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करा, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एनर्जी इस शख्स की रही है, ठीक है। आपने अपनी लाइफ का स्टेयरिंग जैसे इस शख्स के हाथ में दे दिया, ठीक है। एंड अब कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को लेकर बहुत परेशान से हो, ठीक है, क्योंकि जो अब ये नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं ना, जो ये नेगेटिविटी आई है आपके रिलेशनशिप में, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा शैटर्ड फील करा है आपने, ठीक है, बहुत ज्यादा शैटर्ड। अच्छा, यहां पर मुझे ये एनर्जी भी देखने को मिल रही है जहां पर इन्होंने आपको ना टोटल ब्रेकअप नहीं दिया, यानी एकदम से इन्होंने जैसे बात बंद कर दी हूं, ठीक है, लेकिन टोटल ब्रेकअप नहीं दिया, पूरे तरीके से आकर ये नहीं कहा कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा और समथिंग, ठीक है। तो आपके दिल में उस चीज को लेकर अभी भी होप है कि नहीं, ये शख्स आएगा और ये आपसे बात करेगा, ठीक है। सो अभी टोटल ब्रेकअप वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है, एकदम से बात बंद हुई तो कहीं ना कहीं अभी भी आपको वेट है, अभी भी आपको इंतजार है, एक होप, आपने गिव अप अभी भी नहीं करा है, ठीक है, और आप इनके ऑफर का अभी भी वेट करते हो, ठीक है, आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिख रही है ना, वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइमिंग, कि कब डिवाइन चाहेंगे, कब ये रिलेशनशिप सुधरेगा, तो यू आर लिटरली वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये आकर आपसे मौका मांगे, आपसे एक सेकेंड चांस मांगे, आप चाहते हो कि आपके आपसे अपॉर्चुनिटीज मांगे, ठीक है, और आप तो यू आर जस्ट इन दैट एनर्जी। इट इज ऑल्सो दैट एनर्जी जहां पर ये शख्स ना अपनी मिस्टेक्स भी रियलाइज कर पा रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ये ना मतलब कम हिम्मत ही नहीं है इस शख्स में, ठीक है। बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कॉन्फिडेंस की, स्ट्रेंथ की कमी यहाँ पर है, जिस वजह से इनके अंदर ना हिम्मत ही नहीं है, ठीक है। मतलब आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट रिलेशनशिप देने की, ठीक है। या तो ये शख्स की एनर्जी ऐसी है कि ये ना अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, एक वो है ना कि फैमिली पर ही डिपेंडेंट है, पैसों के लिए, खाने के लिए, जीने के लिए, तो क्या ये अपनी फैमिली को नाराज़ नहीं कर सकते। इनको ऐसा लगता है कि यार अगर मैं उन पर डिपेंडेंट हूँ तो कहीं किसी तरीके का लॉस ना हो, ठीक है, उनको, तो वो अपने बारे में बहुत स्ट्रांगली भी सोचते हैं, बहुत सेल्फिश कहीं ना कहीं पर्सन का नेचर रहा है इन पास्ट, जहाँ पर सिर्फ अपने बारे में ये सोचते रहे, ठीक है, सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं दिल में प्यार है इनका आपके लिए, ठीक है, इनके दिल में है अभी भी आपके लिए प्यार, और बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये आपको, ठीक है। और मुझे यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है ना, शायद ये अभी सही समय का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको अप्रोच नहीं करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये सही समय का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये अपनी ही स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ये कनेक्ट हो पा रहे हैं खुद से ही, ठीक है। पॉजिटिव होप्स इनको दिल में है। अगर गिव अप आपने नहीं करा है इस रिलेशनशिप पे, तो गिव अप तो आपकी पार्टनर ने भी नहीं करा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, वो भी अभी तक इस रिलेशनशिप को होल्ड कर बैठे हुए हैं, ठीक है। वो आकर डेफिनेटली आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि आखिर क्यों क्यों उन्होंने आपको ये नो कॉन्टैक्ट या टोटल सेपरेशन दी, ठीक है। एंड वो अपनी चीज़ें, अपनी सिचुएशन आपके सामने रखेंगे इन नियर फ्यूचर, ठीक है, क्लियर माइंडसेट के साथ, वो क्लैरिटी के साथ चीज़ें आपके सामने रखेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन आपके सामने करेंगे, ठीक है। एंड वो आपको प्रॉपर जितने भी सवालों के जवाब आपको चाहिए ना, वो आपको खुद आकर उन सवालों के जवाब देंगे, तो वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। उनके पास हो सकता है कि सब कुछ है, पैसा है, अच्छी फैमिली है, एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग, अच्छे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन उनके पास नहीं है तो उनके पास सुकून नहीं है, एक हैप्पीनेस नहीं है। आप उनके लिए, यू आर लाइक अ ट्रेजर टू दिस पर्सन, आप उनके लिए एकदम एक खजाने की तरह हो, ठीक है, एक प्रेशियस डायमंड की तरह हो, जिसको उन्हें समझ में आ चुका है कि जिसको वो खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, आपको अपने पास रखना चाहते हैं, अपने सीने से लगा कर रखना चाहते हैं, तो वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर उनके अंदर देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड इट इज़ लाइक कि ऐसा नहीं है कि टोटल सेपरेशन के बाद वो खुश हैं या वो बहुत हैप्पी हैं, हो सकता है कि वो आपको ऐसा शो कर रहे हों कि वो खुश हैं, वो बहुत अपनी लाइफ में खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट डाल रहे होंगे, ठीक है, आपको शो करने की भी कोशिश कर सकते हैं वो कि भाई मैं तुम पे चीटिंग कर रहा हूँ और समथिंग लाइक दैट, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि ये सिर्फ और सिर्फ उनका ना शो ऑफ है, ठीक है, क्योंकि अंदर से बहुत शैटर्ड है वो, ठीक है, वो ना ये सब कर आपको ट्रिगर करना चाहते हैं कि आप खुद जाकर उनसे बात करो, खुद अपनी फीलिंग्स को आप पहले एक्सप्रेस करो, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पर एक ये साइन भी दिख रहा है कि वो खुद कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आप ट्रिगर हो, ठीक है, तो और मैं आपको यही सलाह दूंगी कि ट्रिगर मत होना उन चीज़ों से, उनकी इस दिखावे में मत आना, उनके शो ऑफ में मत आना, क्योंकि अगर आप उनके शो ऑफ में आए
और आपने डायरेक्टली जाकर उनसे बात कर ली तो शायद उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, ठीक है, उन्हें दिख जाएगा, आपके इमोशंस दिख जाएंगे और फिर से वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। इस शख्स ने पास्ट में बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया आपको। इनके अंदर वही पैशन, वही इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो मुझे दिख रहा है जो आप देखना चाहते थे इनके अंदर, ठीक है। तो नियर फ्यूचर मुझे ये एनर्जी भी देखने को मिल रही है जहां पर आप उनके अंदर वो अपने लिए क्रेविंग देख पाओगे, एक पागलपन उन्हें आपके अंदर अपने लिए दिखेगा इनके अंदर, ठीक है। एंड यू विल लिटरली बी हैप्पी, ठीक है। और ये आपको ऑफकोर्स कुछ ऑफर कर सकते हैं, कुछ कम बैक तो डेफिनेटली ये करेंगे, ठीक है, और कुछ ऑफर ऐसा कर सकते हैं जिसका ऑफर का इंतजार आपको है लंबे समय से, तो डेफिनेटली दे कैन ऑफर। ये अचानक से आपको, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ अचानक से आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, इट्स दैट एनर्जी, अचानक से एकदम इम्पल्सिव एक्शन आपको इनका देखने को मिलेगा। चलिए फिर कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके पार्टनर के, ठीक है, कि क्या मैसेजेस हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज कुछ मैसेज दें। उन्हें भी पता है कि आप उन्हें मिस करते हो और आप आज भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ठीक है, दे नो इट वेरी वेल। आप चाहे उनके साथ नहीं हो और वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। आप बिलीव करो ना करो, लेकिन जितना आप जानते भी नहीं हो ये उतना ज्यादा प्यार आपसे करते हैं, ठीक है। एंड वो अपनी रियल साइड आपको नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि डर रहे हैं कि कहीं आप रिजेक्ट कर दोगे, कहीं आप उन्हें इग्नोर करोगे। वो जो कुछ भी आज है ना, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है, ठीक है, और वो आपको क्रेडिट देते हैं उन चीजों का, ठीक है। वो दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कितने ही बिजी क्यों ना अपने काम में, लेकिन फिर भी दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसे लगता है कि आप लोगों को बात करने के लिए वर्ड्स की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद इनफ हो, ठीक है। उन्हें रियलाइज नहीं था इस रिलेशनशिप से पहले कि इतना डीप लव होगा उनके अंदर आपके लिए। और भी मैसेजेस देखते हैं। आपके साथ ही उनको खुशी महसूस होती है, ठीक है, और वो उस खुशी को आपके साथ महसूस करना चाहते हैं, फिर से पीस ऑफ माइंड महसूस करना चाहते हैं। जब वो आपको याद करते हैं तो उनके चेहरे पर एक खुशी आ जाती है, एक हैप्पीनेस सी आ जाती है, ठीक है। आप उनकी तरफ, उनको याद आ रहा है कि कैसे आप उनकी तरफ हमेशा ऐसे देखते थे जैसे वो हमें वो वर्ल्ड के बेस्ट पर्सन हो, ठीक है। उन्हें ये चीज भी याद आ रही है कि आप हमेशा उनके लिए खड़े रहे, हमेशा आपने उन्हें अनकंडीशनल लव दिया, ठीक है। वो आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज उनके दिल तक पहुंचती है, उनकी सोल तक पहुंचती है, ठीक है। उनको ये चीज आपकी बहुत पसंद है कि आपने कभी भी उन पर गिव अप नहीं करा, ठीक है, एंड आप आज भी होप रखे बैठे हो, ठीक है। आप लोग दोनों एक साथ स्पेंड कर सकते हो घंटों घंटों सिर्फ बात करते हुए, इतनी बातें, इतना एक्सप्रेसिव फीलिंग्स आप दोनों के बीच में है। वो एक मिनट भी अब और आपके बिना इमेजिन अपना नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आपसे बात करके उनके सारे दुख ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, ठीक है। एंड वो हमेशा आपकी, आपका ही चेहरा उनकी आंखों के सामने आता है जब वो अपनी आंखें बंद करते हैं। उनके वापस उनके दिल में वो पैशन डेवलप हो रहा है, ठीक है, और वो आपके अंदर भी वो पैशन देखना चाहते हैं। आप उन्हें हमेशा कंप्लीट करते हो, ये चीज उन्हें आपकी बहुत ज्यादा पसंद है। आप उनका केयर हो, आप जो ऐसे उनको कंफर्ट करते हो, जैसे उनको केयर दिखाते हो, ठीक है, जब भी वो बैड मूड में होते हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनको बहुत बहुत अच्छी लगती हैं आपकी। तो ये कुछ उनकी एनर्जीज हैं, कुछ उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स हैं। आई होप सो अगर ये आपके साथ भी रेजोनेट करी ना तो लाइक कमेंट फॉलो शेयर ज़रूर करें। यही रीडिंग थी आज के लिए, आई होप सो आपको पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट हुई। तो फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड डू टेक केयर।